नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, अक्टूबर का महीना आ चुका है और हमारे जितने सारे समर फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सब की कटिंग ट्रिमिंग करके उन्हें सेव करके हमें साइड में रखना है, साथ में विंटर फ्लावरिंग की सारी स्टार्टिंग कर देनी है। तो हम कर रहे हैं क्रैसेंथेमम के साथ अपनी बहुत सारी तैयारियाँ। क्रैसेंथेमम प्लांट यानी गुलदाउदी, सेवंती, चाहे जिस नाम से पुकारते हों आप, मैं इसके रिगार्डिंग 4 वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमारा एक क्रैसेंथेमम पे सीरीज चल रहा है जिसके रिगार्डिंग ना आप लोगों को पूरी जानकारी क्रैसेंथेमम की मिल सके और आप बिल्कुल मास्टर हो जाएं इस गुलदाउदी के प्लांट में। आपके गार्डन से कभी भी ये नहीं जाएगा, हमारा ये वादा है। तो हमारी वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। आज मैं इसमें कटिंग लगाना सिखा रही हूँ और वो भी उस प्लांट से कटिंग लेना सिखाऊंगी जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। साथ साथ में उस जो भी हमारे बिगड़े हुए प्लांट हैं उन्हें कैसे सेव करना है उसे भी दिखाऊंगी। कटिंग लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है सबसे पहले ये जान लें। तो कटिंग लगाने के लिए हमें ऐसे पॉट की ज़रूरत होगी जो ज़्यादा डीप ना हो, गहराई उसमें ज़्यादा ना हो। इस तरह से एक थोड़ी टिकरी जो कि हमें पॉट के होल्स को कवर करने के लिए ऊपर से रखना है, तो इस तरह से कवर कर दे। पहले पॉट में अच्छी तरह से होल भी बना लेना है। अब आप कहेंगे पहले तो होल बनाया उसके बाद इसे कवर कर रहे हैं, तो आगे जब इसमें जो हमने सॉइल मीडिया इस्तेमाल किया है ना वो पानी डालने पे, वॉटरिंग करने पे होल से डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, इसलिए उसे हल्के से कवर करना ज़रूरी होता है ताकि आपका जो सॉइल मीडिया है वो बाहर ना निकले और आपके प्लांट में हल्की सी नमी बनी रहे, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो। अगर होल नहीं बनाएंगे तो ओवर वाटरिंग हो जाएगी। इसमें मैं यूज कर रही हूँ टोटली बिल्कुल सिर्फ सैंड, ये रिवर सैंड है, नदी के किनारे जो सैंड मिलती है। अगर आपके पास ये रिवर सैंड नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन वाली सैंड जो कि जिससे मकान बनते हैं वो वाली सैंड बालू उसे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी इसमें नहीं मिलाना है, किसी तरह का फर्टिलाइज़र या कोई सॉइल कुछ नहीं मिलाना है। इसमें हम ऊपर से वाटरिंग कर दे रहे हैं ताकि जब हम इसमें अपने कटिंग को लगाएं तो वो ज़्यादा हिले डोले नहीं, बिल्कुल स्टैंड करे आराम से। उसके बाद पानी डालने के बाद इसमें इस तरह से किसी भी नुकीली चीज़ से होल बना लें। ये क्यों बना रहे हैं वो भी आगे मैं बताऊंगी, पहले इसमें अच्छे से होल बना लेनी है। 1.5 इंच का गैप रख रही हूँ मैं ताकि उतनी दूरी बनी रहे हमारे कटिंग्स में और वो जब आगे ग्रो हो तो उसे निकालना आसान हो। इस तरह से हमें जो ये प्लांट है देख रहे हैं, प्लांटर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, नीचे से कोई ग्रोथ अभी आपको नहीं दिख रही है, बिल्कुल सूखा रूखा सा, सारे रूट्स सूख गए हैं, बहुत सारे ब्रांचेस सूख गए हैं, लेकिन ऊपर में प्लांट काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से हम कटिंग निकाल लेते हैं, ऊपर से हेल्दी कटिंग है, देख रहे हैं ऊपर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि अक्टूबर का महीना आ चुका है तो गुलदाउदी में अच्छी से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। उसकी कटिंग आप लगाएंगे मुश्किल से 15 दिनों में ही उसकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाएगी, उसमें रूटिंग हो जाएगी और फिर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे बड़े पॉट में, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें सैंड में लगाएंगे। इस तरह से हर ब्रांच से जो ऊपर के ब्रांच है ऊपर की टिप ही अच्छे से लगती है। सारी कटिंग को हम इकट्ठा कर रहे हैं, देखिए इस तरह से जितनी हेल्दी ब्रांचेज आपको दिखाई दे पहले उसकी कटिंग निकाल लें, उसके बाद भी अगर आपको और भी लगानी हो तो फिर हम दूसरी ब्रांचेज को सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस ब्रांच में काफ़ी सारी कटिंग है, इस ब्रांच से मैं 4-5 कटिंग निकालूंगी, सारे हेल्दी हैं और बहुत ही अच्छे ग्रो कर सकते हैं। नीचे से 3-4 पत्तियाँ निकाल दी हैं, वो उसी में से रूट निकलेंगे जो नोड एरिया होती है, नीचे की नोड एरिया जो आपके इस सैंड में जाएगी वहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। रूटिंग हार्मोन या कुछ मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं सिंपल सा एलोवेरा लेती हूँ और उसी से ये रूटिंग हार्मोन का काम हो जाता है। क्रैसेंथेमम की नीचे से पत्तियाँ निकालने के बाद उस ब्रांच की जो नोड एरिया है, जितनी नोड एरिया नीचे अंदर जाएगी 2-3-4 जितनी भी उसको आप अच्छे से एलोवेरा से डिप कर लें। उसके बाद इसीलिए हमने इसमें होल किया था ताकि एलोवेरा इसमें से ना निकले नहीं, बिल्कुल आराम से हम इसे जो होल किया हुआ हमारा सैंड है उसमें इसे डाल सकें और एलोवेरा अलग से निकल नहीं जाए।
अगर सैंड में हमने पहले से होल नहीं किया होता और इसके जो ब्रांच है उसी से हम इसमें डिप करेंगे तो सारा एलोवेरा इसमें से निकल जाएगा। इसलिए पहले होल कर ले, उसके बाद एक एक कटिंग को अलग अलग से अच्छे से एलोवेरा में डिप कर ले। उसके बाद इस होल में आराम से आसानी से चला जाएगा। उंगली से हल्के से ऊपर से कवर कर दे रहे हैं ताकि ये ज़्यादा हिले नहीं, स्टैंड करे, सीधा रहे। देखिए ये कितना हेल्दी हमारा कटिंग है, ये काफ़ी जल्दी लग जाने वाला है। जब हम किसी हेल्दी ब्रांच को लेते हैं ना तो वो बहुत ही आसानी से लग जाता है। और अभी ये अक्टूबर के महीने में आपकी क्रेसेंथेमम की कटिंग बिल्कुल रॉकेट की तरह चलेगी। तो बस ऊपर से ये पत्तियों को छोड़ देना है, नीचे से जितनी सारी पत्तियाँ थी 3-4 नोड एरिया हमने अच्छे से साफ कर लिया है, एलोवेरा से डिप करेंगे। और उसी तरह से इसके होल में यानी जो सैंड में हमने होल बनाया है, बस देखिए आराम से ये लग जाता है। और इसे लगाने के बाद आपको सेडी एरिया में रखना है, बिल्कुल भी आप धूप में नहीं रखेंगे, जहाँ तेज गर्म हवा आती हो वैसी जगह में भी नहीं रखेंगे। तो ऐसी जगह कभी कभी आज के दिन में भी ना काफ़ी तेज़ धूप हो जा रही है, तो आप उस तेज धूप से इस कटिंग को बिल्कुल बचा के रखेंगे। ऐसी जगह रखें जहाँ सिर्फ हवा आए, रोशनी आए और ठंडक मिले, तेज गर्म हवाएं या धूप बिल्कुल भी ना लगे, नहीं तो आपकी कटिंग चलेगी नहीं। अब हम बात करते हैं क्रेसेंथेमम की, क्योंकि क्रेसेंथेमम के बारे में कुछ और भी जानकारियां आपको होनी बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले वीडियो में 4 वीडियो में काफ़ी सारी बातें की हैं, इसकी काफ़ी सारी वैरायटी आती है, साइज भी अलग अलग आते हैं। अभी आपको नर्सरी में इसकी कटिंग लगी हुई या फिर बेबी प्लांट्स काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास पुराना प्लांट नहीं है, आप कटिंग नहीं लगा सकते हैं, तो बस जल्दी से जा कर के वहाँ से प्लांट खरीद के ले आएँ, ताकि वो प्लांट जैसे ही थोड़ा सा ग्रो करेगा तो ऊपर से आप कटिंग निकाल करके कई प्लांट बना सकते हैं। जितनी सारी कटिंग ऊपर के ब्रांचों से आप निकालेंगे, वो आप आराम से इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ सैंड में आप लगा दें, तो एक प्लांट से कई प्लांट बना लेंगे और बिल्कुल फ्री में बनेगा, आपके साथ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा उसके साथ आपको। तो आप जल्दी से जाके क्रेसेंथेमम की जो वैरायटी मिले, सारी वैरायटी इसकी काफ़ी खूबसूरत होती है। और क्रेसेंथेमम का प्लांट जैसे जैसे बढ़ता है, नीचे की पत्तियाँ काफ़ी सारी सूखने लगती हैं, तो उसकी सूखी हुई पत्तियों को हमेशा हटाते रहेंगे। क्रेसेंथेमम फुल सनलाइट वाला प्लांट है, तो इसे पूरे धूप वाली जगह पे रखेंगे। इस कटिंग को अभी सेडी एरिया में रखेंगे, जब ये ग्रो हो जाएगा, जब हम इसकी रिपोर्टिंग कर लेंगे, या फिर आपका जो पुराना प्लांट है, जो बिल्कुल हेल्दी सा प्लांट है, उसे आप फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि फुल सनलाइट में जब तक आप इस प्लांट को नहीं रखेंगे, इसमें कलियाँ बननी स्टार्ट नहीं होगी। और अभी मुश्किल से महीने भर बाद आपको क्रेसेंथेमम के प्लांट में फ्लावरिंग नज़र आ जाएगी। हमने बहुत सारे प्लांट को, जो हमारा प्लांट बिल्कुल सही था, उसकी सिर्फ जस्ट रिपोर्टिंग की है और उसे रख दिया है धूप में, साथ साथ में कुछ दिनों पे, मतलब महीने भर के अंदर एक बार किसी न किसी तरह के इंसेक्टिसाइड को ज़रूर स्प्रे कर ले, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कीड़े मकोड़ों का अटैक ना हो। नीचे की पत्तियाँ जब सूखती हैं ना, तो बहुत सारे मिट्टी में ना आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगीसाइड का हमेशा इस्तेमाल करते रहें। हर 10-15 दिनों के बाद पानी में थोड़ा सा फंगीसाइड मिला लें और इसमें वाटरिंग करें जब भी, तो उस फंगीसाइड के पानी से वाटरिंग कर दें। इस तरह से आप देखिए, इस कटिंग को तो मैंने लगा ली, बहुत सारी कटिंग मैंने पहले से लगा रखी है जो कि इससे भी अच्छा ग्रो हो चुका है। इन सारी कटिंग्स को अब मैं रख दूंगी साइड में, जहाँ की बिल्कुल अच्छी सी ठंडी हवा आए और ठंडी जगह हो। फिर से एक बार हल्की सी वाटरिंग कर देते हैं, ताकि बिल्कुल सॉइल एक सा हो जाए, एडजस्ट कर जाए, कटिंग हिले नहीं। आप कोशिश करें कि जिस समय आपने कटिंग निकाली है अपने प्लांट से, बस जस्ट उसे उसी समय तुरंत सॉइल में लगा दें, यानी कि इस सैंड में लगा दें। ये देखिए हमारा क्रेसेंथेमम का पुराना प्लांट, जो कि बिल्कुल हेल्दी है, हमने सिर्फ इसकी रिपोर्टिंग की है और पूरी धूप वाली जगह में रखा है। इसके बाद हमें इसमें पिंचिंग करनी होती है, ताकि इसमें से ज़्यादा ब्रांचेज निकलें, और जितने ज़्यादा ब्रांचेज होंगे उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अब इन कटिंग को हम साइड में करते हैं और चलते हैं पलट के उस प्लांटर की तरफ, जिस प्लांटर में से हमने इतनी सारी कटिंग्स निकाली थी। इस प्लांटर को आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें तो अब कुछ बचा ही नहीं है, चलो हटा देते हैं, लेकिन हटाना नहीं है। अगर आपके पास जगह है और इसे सेव कर सकते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से हम सेव कर सकते हैं। इसमें से जो नीचे से प्लांट निकल रहे हैं, वो ग्रो होंगे, बड़े होंगे और उसमें भी फ्लावरिंग होगी।
बहुत सारे इसमें नीचे देख रहे हैं, सारी ब्रांचेस सूखी हुई सी है, रूट्स सूखे हुए से हैं। अच्छे से आराम आराम से इस पूरे प्लांटर को अभी मैं साफ करूँगी। जितने सारे लेगी सारे ब्रांचेज है, देखिए ये नीचे से प्लांट निकल रहा है ना, ये बड़ा हो जाएगा और बाकी काफ़ी हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्लांट में अभी मैं इसमें और भी ज़्यादा ट्रीटमेंट करने वाली हूँ ताकि हमारा ये प्लांटर भी बर्बाद ना हो। जो ऊपर जाले लगे हुए पत्तियाँ हैं उन्हें हम पूरे ब्रांच के साथ हटा देते हैं, क्योंकि नीचे से जो प्लांट हमारे निकलेंगे ना, जो नीचे से ग्रो होगी हमारी क्रिसेंथेमम के प्लांट्स, वो बिल्कुल फ्रेश होगी। अगर इस रूखे सूखे जाली वाले ब्रांचेस को हम छोड़ते हैं तो इसमें से सारे जो इन्फेक्शन है ना, वो हमारे नीचे वाले प्लांट में भी लग जा सकती है। देखिए इस तरह से सारे जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थे ख़राब से गंदे से, उन सबको मैंने निकाल दिया, सॉइल बिल्कुल साफ कर ली है। अब इसमें हम गुराई करेंगे। देखिए अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है, कोई ब्रांच ऐसा नहीं है जो ख़राब सा है, बिल्कुल अच्छे से देख रही हूँ मैं ताकि कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन बचे नहीं। आराम आराम से इसे साफ़ करना होगा, काफ़ी नाजुक होता है ये क्रिसेंथेमम का प्लांट जो होता है ना, पट से इसकी ना जो ब्रांच होती है वो टूट जाती है, तो बड़े आराम आराम से इसमें से पत्तियां निकालनी होती है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो वो पूरा ब्रांच ही टूट जाता है, तो हमें इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से इसमें से सारी, देखिए अभी भी पीछे बची हुई थी ये डंडी जिसके रूट बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, और जो रूट सड़ जाते हैं उसके नीचे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसे आराम से पहले हमने पूरी तरह से साफ़ कर लिया। इसके बाद इसकी मिट्टी में हम गुराई करेंगे, और उसके बाद मैं इसमें क्या डालूँगी जिससे कि इसकी ना जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से उभर के आए। इसकी गुराई कर लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। मिट्टी को साफ़ करने के बाद इसकी गुराई कर ली, गिल्ली है हमारी मिट्टी क्योंकि हमने इसमें अच्छे से वाटरिंग की थी ना, ताकि प्लांट इसमें से निकाल सके। जितनी रूखी सूखी डंडियाँ थी, ब्रांचेस थी, जो रूखे सूखे रूट्स थे उन सबको हटाना था, तो हमने थोड़ी सी मिट्टी को गीली की थी ताकि इसमें से वो सारे ब्रांचेस को मैं निकाल सकूँ। उसके बाद फंगीसाइड, जो हमारा फेवरेट फंगीसाइड है, ये बहुत कमाल का चीज़ है। पता है अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी चाहिए तो वो है फंगीसाइड। चाहे सॉइल हो या प्लांट हो, किसी भी तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन अगर लगता है प्लांट में, विंका में, अडेनियम में, और बहुत बहुत सारे प्लांट्स हैं, सभी प्लांट में ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, तो हमने इसकी सॉइल में फंगीसाइड मिला दी। और मैं हाथों से ही काम करती हूँ, आप लोग को देख के शायद कुछ अजीब सा लग रहा हो, मैंने हाथ से ही इसे अच्छे से मिला दिया है, और ऊपर से जो ये नई नई ग्रोथ दिख रही है आपकी, बहुत जल्दी बूस्ट कर जाएगी, क्योंकि जितने सारे इन्फेक्शन है ना इसकी सॉइल में वो हट जाएंगे, और बस इस तरह से वो भी प्लांट बिल्कुल हेल्दी और कमाल का हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, क्रिसेंथेमम के बारे में कुछ और जानकारी लेनी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना ज़रूरी है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर ले। हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।